टाइम टेक्नोप्लास्ट का है। पनवेल से रहमत ये सवाल पूछ रहे हैं, 100 शेयर होल्ड करते हैं, इन्होंने प्रकाशी से 208 रुपए पर खरीदा है टाइम टेक्नोप्लास्ट। टाइम टेक्नोप्लास्ट, वेल चार्ट निकाल लेते हैं टाइम टेक्नोप्लास्ट का और देखें क्या हाल है इसका। वेल यहाँ पर ये होल्ड कर सकते हैं ऑन द अपसाइड, कुछ 180 या कहीं और 200 भी जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। फिलिप्स कार्बन 200 शेयर 266 की खरीद, नवी मुंबई से आशीष का सवाल। फिलिप्स कार्बन, मुझे लगता है कि ये जो चार्ट है वीक लगता है, लेकिन लोअर लेवल्स में जो है लोअर लेवल थोड़ा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये चार्ट बुरा नहीं है, अब थोड़ा करेक्टिव मोड पर है। अगर नीचे आता है तो घबराइएगा मत, होल्ड कीजिएगा, 200-210 इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अवंती फीड बंगलुरु से डेविड होल्ड करते हैं अवंती फीड के, 100 शेयर 506 में इन्होंने खरीदा अवंती फीड को, और पूछ रहे हैं अभी इन्हें क्या करना चाहिए, यहाँ नुकसान अच्छा खासा उठाना पड़ रहा है अवंती फीड में। पर यहाँ पर लगता है कि यहाँ बेचने की जगह तो नहीं है, ये जगह होल्ड करने की है, लेना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, सपोर्ट के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है, इसलिए जो ले उसका स्टॉप लगाइए 400 का और होल्ड कीजिए, वक्त लगेगा, शायद 500-550 भी देखने को मिलेगा, होल्ड कीजिए। जेट एयरवेज 100 शेयर 308 की खरीद, मुरादाबाद से सुशील होल्ड करते हैं जेट एयरवेज। वेल ये स्टॉक लगता है कि अब ज्यादा गिरेगा नहीं, यहाँ पर एक जगह होल्ड करने की है, चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, इसमें बाउंस मिल सकता है, और जो बाउंस मिलेगा करीब 350 की तरफ ले जा सकता है, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है। टाइटन 500 शेयर 927 बाइंग प्राइस है, सिलीगुड़ी से उदयन होल्ड करते हैं टाइटन। यहाँ पर बेसिकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन अब थोड़ी वीकनेस है, लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लोअर लेवल्स करीब हो सकता है कि 800 का जोन भी देखें, मुझे पता नहीं इनका नजरिया क्या है, अगर लॉन्ग टर्म का है तो होल्ड कर सकते हैं, अगर शॉर्ट टर्म का है तो निकल जाइए, लॉन्ग टर्म का है तो लोअर लेवल्स में एड भी कर सकते हैं टाइटन। फेडरल बैंक नितिंगना होल्ड करती हैं, फेडरल बैंक के 500 शेयर 81 इनकी बाइंग प्राइस रही है, अब जानना चाहती है क्या करें फेडरल बैंक में, 4.55 रुपए पर शेयर लॉस फिलहाल। ये जगह लॉस बुक करने की नहीं है फेडरल बैंक, यहाँ पर होल्ड कीजिए, आपको चाहे तो एक स्टॉप दे देता हूँ, वहाँ लगाइए 75 का और होल्ड कीजिए, मुझे लगता है 90 तक जाएगा फेडरल बैंक, वक्त लगेगा लेकिन 90 नजर आता है, होल्ड कीजिए। IDBI शैलेश तिवारी के पास है, IDBI के इनके पास है कुछ 200 शेयर 102 रुपए 33 रुपए की खरीद रही है IDBI बैंक है इनके पास। स्ट्रक्चर में क्लैरिटी है नहीं, साइडवेज जोन है, नहीं ट्रेंड है, ट्रेंड होता है तो प्रॉफिट बनता है, ट्रेंड नहीं होता तो प्रॉफिट नहीं बनता है, इस स्टॉक में अगर ये मेरे पास होता मैं तो निकल जाता। ओके सो एक हिंट तो दे ही दिया प्रकाश जी ने, एग्जिट कर जाइए यहाँ से। बोरोसिल में क्या करें, अमित कुमार इनके पास 250 शेयर है 356 की खरीद रही है, होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्ट्रक्चर है, होल्ड करना चाहिए, 300 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अब साइडवेज कंसोलिडेशन पे, फिर एक फ्रेश अप मूव शुरू होगा, वो करीब 400 की तरफ ले जाएगा, ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए, लेकिन थोड़ी पेशेंस की जरूरत होगी, वॉल्यूम कम होते हैं स्टॉक में। अलाहाबाद बैंक ये हमारा अगला स्टॉक, नागपुर से रुपेश का सवाल है, अलाहाबाद बैंक के 350 शेयर 105.68 रुपए की खरीद, 105 कब लिया है उन्होंने पता नहीं, बहुत महंगा लिया है, ये जगह बेचने के लिए थोड़ा अपमूव मिल सकता है अलाहाबाद में, अलाहाबाद बैंक में मुझे लगता है करीब 48-50 भी जा सकता है, वहां पर चाहे तो निकल जाइएगा स्टॉक से, और उतना पैसा स्टेट बैंक में लगा दीजिएगा चाहे तो। रुपेश जी हाँ बिल्कुल ओके, चलिए ऑप्शन भी दे दिया, SBI में लगा दीजिए, इलाहाबाद बैंक से निकल जाए, क्योंकि चाहे जो कर ले आपकी बाइंग प्राइस बहुत ऊंची है वो नहीं आने वाली इसमें। अगला स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया का, रत्ना गोगोई होल्ड करती हैं इसको, 300 शेयर हैं 156.70 रुपए पे खरीदा है। वेल ये होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा बेसिकली यहाँ पर जो ब्रेक डाउन हुआ 180 जोन पर हुआ, होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब लोअर लेवल से सपोर्ट है कभी 140 के आसपास, यहाँ से लगता है कि बाउंस मिल सकता है, होल्ड कीजिए, फिर जो बाउंस होगा करीब 180 के आसपास चला जाएगा, वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा। ठीक है सो कैस्ट्रॉल इंडिया एक होल्ड है यहाँ पर और